यार पता है क्या, मैं रैंडमली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने एक सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ा जिसमें की था ईट फूड ऑन स्टिक फॉर 24 आवर्स। हैं देखो, पहले तो मैं समझा नहीं था, बट जब मैंने गूगल किया देन आई रियलाइज कि ओ ये खाना है। ये है चिकन कॉर्न डॉग, मतलब कॉर्न डॉग ना नॉर्मली उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और कॉर्न डॉग ना कोरिया की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रीट साइड स्नैक है। तो ये सीन है एंड ये स्टिक पे है, सो दिस काउंट्स। और इसके साथ ना ये स्मोक्ड पेपरिका सॉस भी आई है और ये चीज में वो भी आई है। पेपरिका वाली सॉस के साथ पहले से ट्राई करते हैं। ओके, मतलब दिखने में ही लग रहा है यार ये बढ़िया स्मोकी और मसालेदार होने वाला है, बाकी खा के पता चलेगा। ओह दिस इज गुड, चेक दिस आउट, इसके अंदर चीज भी है। नाइस यार, भाई मुझे चीज वाली मेयो के साथ भी इसे ट्राई करना है। इसके साथ कुछ खास मजा नहीं आया भाई, ये पेपरिका वाली मेयो बहुत सही है एंड नॉट अ बैड स्टार्ट भाई, सही चीज है। वैसे इससे पहले जो मैंने कॉर्न डॉग्स खाए हैं ना वो पता है कैसे बनते हैं, मैं चिकन वाले की बात कर रहा हूँ, वो चिकन सॉसेज होता है ना, एक स्टिक पे सॉसेज को पहले लगा लेते हैं, फिर उसको किसी शायद मिक्सचर में डिप करते हैं और फिर उसको पटेटो के छोटे छोटे पीसेस से कोट करते हैं और उसे फिर डीप फ्राई करते हैं। ये सीन है। और मैंने ना वो प्योरली मोज़रेला वाला कॉर्न डॉग भी खाया भाई, उसको जैसे तोड़ो ना पूरा चीज पूल होता है, मतलब लिटरली चीज बहरा होता है उससे। ये वाले भी सही है यार। वैसे देखो आज क्या क्या खाना है, तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, ठीक है, मुझे अभी से ही फील आ रही है कि आज का चैलेंज बढ़िया निकलने वाला है, बढ़िया बढ़िया खाने खाएंगे। तो भाई बने रहो एंड चलते हैं भाई बाहर कुछ बढ़िया स्टिक वाला खाना खाने। दिस इज रोस्टेड वेज स्क्यूअर, लुक एट दिस भाई, कितना डिलिशियस लग रहा है। और इसको ना इन्होंने किसी सॉस में टॉस किया हुआ है, इसके ऊपर ना इन्होंने सेसमे सीड्स भी डाले हुए हैं। मेरे पास 3 स्क्यूअर्स आए हैं। ओके, बेल पेपर्स हैं, पनीर है, जुकीनी है, और मुझे ऐसा लग रहा है इसको तेरियाकी सॉस में टॉस किया हुआ है। ये सीन है, लेट मी गिव इट अ ट्राई, ओनली बिकॉज ऑफ द सॉस ये थोड़ा सही लग रहा है, वरना तो ये रॉ वेजिटेबल्स हैं। ओह मशरूम भी है इसके अंदर, पनीर ट्राई करें। पनीर का क्या फ्लेवर आ रहा है तेरियाकी सॉस में भाई, आप भी ट्राई करना पनीर को तेरियाकी सॉस के साथ ट्राई करो, अगर आपको पनीर पसंद नहीं है तो पसंद आने लग जाएगा। भाई मुझे सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी, इन्होंने ना टिप पे लगाई हुई है ब्रोकली, नाइस। वैसे आपको ब्रोकली पसंद है, मतलब पसंद तो नहीं है मुझे, बट जिम के चक्कर में ना खानी पड़ रही है और क्या, अब थोड़ी ठीक लगती है मुझे। ऑल्सो पता है क्या, ये 300 रुपये के 3 स्टिक्स हैं, 3 स्क्यूअर्स हैं एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अभी तो भाई बहुत सारे स्टिक वाले खाने खाने हैं। ये थी भाई लास्ट बाइट, नाउ ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉट। गाइस नेक्स्ट स्टिक डिश पता है कौन सी है, चिकन साटे। भाई इन चिकन साटेस के ऊपर ना इन्होंने हरीसा सॉस डाल के दी है और ये है हमस। वैसे चिकन साटे ना थाईलैंड का बड़ा फेमस स्ट्रीट फूड स्नैक है, बट मैं ना अभी एक मिडल ईस्टर्न कैफे में आया हूँ, दैट्स व्हाई इन्होंने चिकन साटे हमस के साथ सर्व किया है। ओके, अच्छे से इसको हमस में रैप कर लेते हैं। नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। भाई देयर हमस इज सो डिफरेंट यार, ये बड़ी क्रीमी है। हमस और हरीसा सॉस का कॉम्बो लिट है भाई, मज़ा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ी सी और हरीसा सॉस ले आऊँ और थोड़ी डाल के फिर थोड़ी ढंग से हमस लगा के, बहुत बढ़िया लगेगी। ऑल्सो इन साटेस में से ना मुझे गार्लिक अभी बड़ा बढ़िया वाला पंच आ रहा है। वैसे इन चिकन साटेस को ना वो ग्रिल्ड प्लेट पे प्रिपेयर करते हैं एंड थाईलैंड में इसको पीनट सॉस के साथ और स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व करते हैं, बट भाई मुझे तो हमस के साथ बढ़िया लग रहा है। वैसे मैंने पीनट सॉस का खाया नहीं है क्योंकि मैं अभी थाईलैंड गया नहीं हूँ, बट मन बहुत है। इन्होंने ना मुझे 275 रुपीज़ के ऐसे 5 साटे दिए हैं, बढ़िया डील है, नॉट बैड। गार्लिक पेपर हरीसा सॉस एंड साथ में ये हमस, गुड कॉम्बिनेशन भाई। गाइस सही बता रहा हूँ, ये साटे बहुत बढ़िया थे और अब मेरा पेट थोड़ा थोड़ा भर रहा है, बट तुम्हारा भाई रुकेगा नहीं। इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने लिखी हुई है, तो वो खाते हैं और फिर कुछ मीठा हो जाए। पटेटो ट्विस्टर, और ये वाला है पेरी पेरी पटेटो ट्विस्टर एंड इट सीम्स वेरी क्रिस्पी, ट्राई करके देखें।
नाइस भाई, आई थिंक ये वाला पोटैटो ट्विस्टर ना अब तक का मोस्ट क्रिस्पीएस्ट एंड मोस्ट टेस्टीएस्ट पोटैटो ट्विस्टर है जो मैंने खाया है। इससे पहले मैं गुड़गांव के मेले में गया था, वहाँ पे मैंने पोटैटो ट्विस्टर खाया था यार, वो तो अजीब सा ही था। ये वाला तो सही है भाई, ये मैं पूरा खत्म कर सकता हूँ, मस्त है भाई। ये देख रहे हो बढ़िया, इन्होंने इसको पेरी पेरी मसाले से कोट करके दिया है। आई एम लविंग इट। बाय द वे मैंने ना दो पोटैटो ट्विस्टर ऑर्डर किए हैं, अभी एक और है मेरे पास। ऑल्सो जितने ये इंटरेस्टिंग दिखने में लगते हैं ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बनते हुए देखने में लगते हैं। भाई इनकी ना एक मशीन होती है जिसमें पोटैटो को ये लोग स्टिक पे लगा के घुसाते हैं, फिर उसको रोटेट करते हैं, भाई बड़ी सही चीज़ है वो। ओके, अपेरेंटली ये वाला चीज़ी पोटैटो ट्विस्टर होना चाहिए था, बट इस पर चीज़ है नहीं। वेट, हियर इज द चीज़ मेयो। भाई इसको ऐसे डिप करके खाना है क्या? अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओए बढ़िया लग रहा है भाई, नाइस। वैसे ना मुझे डाउट हो रहा था कि ये पोटैटो ट्विस्टर अच्छा लगेगा भी या नहीं, क्योंकि ना ये मैंने क्लाउड किचन से ऑर्डर किया है, मुझे लगा था सॉगी वॉगी हो जाएगा, बट यार ये तो एकदम फ्रेश है और क्रिस्पी भी। भाई ये साथ में तंदूरी मेयो भी आई है। ओके ऐसे ट्राई करते हैं, नाइस। भाई ये वाइट वाली मेयो के साथ ना ये बहुत बॉम लग रहा है। और सब पेरी पेरी मसाला ना इन्होंने दोनों ही पोटैटो स्पाइरल पे स्प्रिंकल किया हुआ है, सही है भाई। वैसे इसके बाद पता है मैंने एक चीज़ और ऑर्डर की हुई है मीठे में, और वेट कर रहा हूँ भाई उसकी। और हाँ ये दोनों तो नहीं ख़त्म होने वाले, जितने मैंने खा लिए उतने ठीक है, अभी मैं पैक कर रहा हूँ और वेट हो रहा है अब जोमैटो वाले भैया का। लुक एट दिस भाई, ये है ओरियो स्टिक वॉफल। भाई इससे पहले ख़राब हो जाए मैं चक मार रहा हूँ। ओ भाई दिस इज सो गुड, लिटरली भाई अब आया ना मज़ा। चॉकलेट का क्या डेंस फ्लेवर आ रहे हैं, कपल विद ओरियो, नाइस भाई, इसीलिए तो मैंने चैलेंज किया था। भाई पता है क्या, ओरियो वॉफल के साथ साथ ना मैंने कैरेमल वॉफल स्टिक भी ऑर्डर किए हैं। लुक एट दिस, आई चेक दिस आउट। एक तो वॉफल है, ऊपर इन्होंने काफी सारा वो कैरेमल डाला हुआ है एंड वाइट चॉको चिप है। ओके लेट मी टेक अ बाइट। लवली भाई क्या क्रिस्पी वॉफल है। एक्चुअली वॉफल ना इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ओवरडू कर दिया है, मुझे हल्की हल्की छलने के ना इसमें से टेस्ट आ रहा है, बट कैरेमल सिरप की वजह से सब कुछ बैलेंस आउट बढ़िया हो गया है भाई। इन दोनों वॉफल स्टिक में से ना मुझे ये ओरियो वाला ज़्यादा बेटर लगा, जस्ट बिकॉज तुम्हारा भाई ना चॉकलेट लवर है, तो ये सीन है। देख लो भाई अंधेरा हो चुका है, ये स्टिक वाले खाने खाते खाते अब घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड फिर कुछ ऑर्डर करेंगे। ये ओरियो वाला सही में बढ़िया भाई। Few moments later. भाई पता है क्या, मैंने ना डिनर के लिए अभी दो वैरायटी की चाप ऑर्डर की है, और उनमें से एक चाप का नाम पता है क्या है? स्टफ चाप और बेबी डॉल चाप। भाई बेबी डॉल चाप, खैर जहां से मैंने ऑर्डर किया है ना वहां पे एक चाप का नाम समझ गए ना क्या है, वो भी है। पता है क्या, जब मैं इनकी चापे ऑर्डर करा था मैंने इनको स्पेशली फोन करके भी पूछा कि आप अपनी इन दोनों चाप को डंडी में सर्व करते हो ना, क्योंकि भाई देखो इन्होंने फोटो तो वैसे खिंचवा रखी थी। बाकी लेट्स फाइंड आउट, चेक दिस आउट। मैं क्या बोलूं यार, मैंने स्पेशली फोन करके भी पूछा था। अबे यार होल्ड ऑन, क्या पता इसके अंदर ये तो नॉर्मल कुरकुरे चाप ही निकली, तो मूड खराब कर दिया यार इन्होंने सही में। क्या करें अब खाएं, चलो यार घर वालों को खिला देंगे। खैर स्टफ चाप भी है और मुझे भी डाउट हो रहा है कि वो डंडी पे है भी है नहीं। भाई स्कैम हो गया मेरे साथ, इसके अंदर ना टेक्निकली एक स्टिक होनी चाहिए थी एंड यार भाई देखो तुम ही पिक्चर्स में देख लो इन्होंने कैसे पिक्चर खिंचवाई थी। भाई साहब मैंने भैया को स्पेशली फोन भी किया था। अब देखो दो काम हो सकते हैं, या तो मैं इसको खा लूँ ये समझ के कि इसके अंदर डंडी थी, बस पैकिंग के चक्कर में उस डंडी को निकाल लिया गया, या फिर मैं इनकी कंप्लेंट करूँ और मैं फिर से मंगाऊँ, यार खाना वेस्ट होगा। आई थिंक ऐसे ही ट्राई कर ले रहे हैं। ओके दिस इज द स्टफ चाप। भाई साहब पनीर की फिलिंग इसके अंदर की हुई और बहुत सारा इसके अंदर बटर है।
बटर तो ये लोग नहीं डालते, वो रिफाइंड वाला वही डालते मुझे मालूम है। खैर दिस इज सुपर अनहेल्दी बट सुपर डिलिशियस भाई, पूरी बटर और क्रीम का गेम है मैं बता रहा हूँ। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, यह चाप ना लोडेड है, नॉट बैड। इसमें ना भाई साहब बेल पेपर्स हैं और अनियंस हैं। सही है यार ये, गुड। ये वाली है इनकी बेबी डॉल चाप, और एक्चुअली में ना ये कुरकुरे चाप ही है। पता है क्या, चाप के ऊपर की जो कोटिंग है ना कुरकुरे वाली, ये कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई है, बट ठीक है, नथिंग टू कंप्लेन। बढ़िया इन्होंने चाट मसाला डाला हुआ है इसके ऊपर, नॉट बैड। साथ में ये सिरके वाले प्याज भी आए हैं और ये स्पाइसी चटनी भी आई है, जो कि मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी तो डाल के खाऊंगा, तभी फ्लेवर आएगा यार। भाई चटनी वाली बेबी डॉल चाप भी खाते हैं, बट उससे पहले ना मुझे आपको 1x बेट के बारे में बताना है। आप सबको तो पता ही है कि स्टेबल इनकम होना कितना इंपॉर्टेंट है, और आप ये रख सकते हैं 1x बेट के थ्रू। मुझे इनकी 1x गेम और कैसीनो सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बट इनकी क्रैश गेम्स आर वेरी प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो हेल्प करती है पैसिव इनकम में। रूल बहुत सिंपल है, आपको अपनी अर्निंग प्लेन क्रैश होने से पहले निकालनी है, और आपको मिल सकते हैं 1,30,000 रुपीज का बोनस, और आपको मिल सकता है 1,30,000 रुपीज INR का बोनस एंड 150 फ्री स्पिन्स। आपको सिर्फ कमेंट में दिए लिंक को क्लिक करना है और इस प्रोमो कोड को डालना है रजिस्ट्रेशन के समय, और आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब खाएं भाई चटनी वाली बेबी डॉल चाप। अरे ये तो मोमो चटनी है भाई, ये मोमो चटनी है जो कि सड़ चुकी है। सही में यार खराब हो चुकी है, खट्टी है। मेयोनीज भी आई है, रहन दो भाई ऐसी खा लेता है मैं। वैसे इन दोनों चाप्स में से ना ये स्टफ चाप ज्यादा बॉम्ब थी, एंड आई नो ये वीडियो भी एकदम बॉम्ब थी, तो इसी बात पे लाइक कर दो, ठीक है, शेयर वगैरह भी कर देना, और मुझे कमेंट से बताओ यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे करें। मतलब मेरे पास तो खूब आइडियाज है, अगर आप भी कुछ बता दोगे तो उसी पे बना देंगे। तो अभी के लिए यार मैं चल रहा हूं, ये बहुत सारी चाप मेरे सामने पड़ी है, नीचे लेके जाता हूं, मम्मी पापा को खिलाता हूं, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड Happy eating!